दोस्तों, ये बजाज की डिस्कवर 125 है। इसमें GPRS सिस्टम लगा है, जो GPRS होता है लोकेशन ट्रेस करता है। यहाँ पे देखें तो GPRS लगा हुआ है, तो इसके वजह से इसका जो बैटरी है बार बार डाउन पड़ जा रहा है। मैंने चार्जिंग सिस्टम को चेक किया, वो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसा कि जो हमारा रेगुलेटर होता है जो बैटरी चार्ज करता है, उसका जो सिस्टम है 14+ जा रहा है बाइक स्टार्ट करने के बाद। वो प्रॉपर उसका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, बैटरी चार्ज कर रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये चार्जिंग सिस्टम को तो सही है, लेकिन ये GPS लगने की वजह से बैटरी डाउन हो जा रहा है। क्योंकि GPS को जो बैटरी से सीधे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर देखें तो GPS चालू है जो लोकेशन ट्रेस करता है। तो जो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव हैं डायरेक्ट यहाँ से दिए गए हैं GPS को। तो इसको मैं लेकर जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है, इग्निशन स्विच, उसको डायरेक्ट दूंगा। वहाँ से ऑन करने पे GPS हमारा ऑन होगा। तो जो हमारा ये इग्निशन है उसको ऑन करेंगे तब इसको लाइट मिलेगी। क्योंकि जब बैटरी से डायरेक्ट है तो बैटरी डाउन कर दे रहा है, तो नेटवर्क उसमें हमेशा चलता रहता है ना, नेटवर्क सिस्टम उसमें चलता रहता है GPRS में। तो वो लोकेशन ट्रेस करता है, तो उसमें एक सिम लगा हुआ है जो हमेशा नेटवर्क कन्वर्ट करता रहता है, वो बैटरी लेता रहता है। बैटरी जो हमारा बाइक है वो ऑफ कंडीशन में रहेगी, चालू नहीं रहेगी, फिर भी ये बैटरी लेगा, तो इस वजह से डाउन हो जा रहा है। तो जो इसका कनेक्शन है, मैं इसको सीधे वहाँ जो हमारा स्विच है यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव वायर लेकर सीधे यहाँ पर आएँगे और जो हमारा स्विच है इसमें लगाएंगे, ये इग्निशन स्विच है उसमें लगाएंगे। तो इस किस वायर में लगाना है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा इग्निशन स्विच है उससे दो वायर निकलेंगे, दो वायर में एक सफ़ेद रहेगी और एक, आप देखें तो एक सफ़ेद वायर है और एक चॉकलेटी कलर है और उसमें एक नीला पट्टी है, उसमें लगाएंगे इस वाले कनेक्टर में। तो यहाँ पर देंगे, जैसे इग्निशन को जब ऑन करेंगे तब इसमें लाइट आती है। सफ़ेद वाले में डायरेक्ट करंट रहता है, 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट रहता है सफ़ेद वाला में। लेकिन जो ब्राउन कलर का है इस साइड, ब्राउन में जो हमारा नीली पट्टी है उसमें ऑन करने पे लाइट आता है, 12 वोल्ट ऑन करने पे आता है। तो यहाँ से सीधे वायर जो हमारा GPS का पॉजिटिव वायर है, जो हमारा निगेटिव वायर है बॉडी अर्थ का, उस तो बैटरी से उसे दे देंगे, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव वायर है वो सीधे लेकर आएंगे यहाँ इग्निशन के पास और उसमें दे देंगे। जो हमारा ये निगेटिव है ये बैटरी में लगा रहेगा, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारा बॉडी अर्थ है। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव है यहाँ से निकला है, तो इस वायर को आप अंदर अंदर यहाँ पे देखें तो मैं अंदर से लेकर गया हूँ, ये यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, ये अंदर अंदर जो वायर है वो सीधे यहाँ पर कनेक्ट होगा। जो हमारा इग्निशन स्विच है उसमें जो हमारा ब्राउन कलर का वायर है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो GPS में दो वायर निकला है, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे जो हमारा पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, आप देखें तो ब्राउन कलर में, और यहाँ पे टेपिंग कर देंगे, अच्छे से टेप लगा देंगे ताकि जो हमारा शॉर्ट होने की कोई इशू ना रहे और शॉर्ट होने की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे अब इग्निशन ऑन करेंगे तो GPS हमारा चालू हो जाएगा। देखें तो इसमें रेड कलर का और साथ में दो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, मतलब कि जो हमारा GPS है वो काम कर रही है। जब इग्निशन को ऑन करेंगे तब हमारा GPS चालू होगा, जब इग्निशन को ऑफ़ करेंगे तो हमारा GPS बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेस भी अच्छे से हो जाएगा, बैटरी की बचत भी हो जाएगी। तो आप अपने बाइक में यदि कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं तो इग्निशन से लगाएं, ताकि चाबी ऑन करने पर ही वो बैटरी ले। क्योंकि अगर बाइक रनिंग में रहेगी तो उतनी बैटरी नहीं लेगी, बैटरी आपकी डाउन नहीं होगी, चार्ज भी होगा और साथ में डाउन नहीं होगी। वो चार्ज वहाँ से लेगा तो जो हमारा रेगुलेटर है वो उसको चार्ज कर देगा, बैटरी से करंट लेगा जो हमारा सिस्टम है वो, तो जो हमारा रेगुलेटर है उसको चार्ज कर देगा। तो इसी तरह से आप जो भी आपकी बाइक है आप उसमें लगा सकते हैं, तो जो समस्या है वो हमारा सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी सिस्टम लगाना है तो जो हमारा इग्निशन स्विच है वहाँ से लगाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।